इम्तिहान का जमाना आता है, छोटे छोटे बच्चे जो अभी पहली दूसरी तीसरी में पढ़ रहे हैं, इसके साथ बड़े बड़े बच्चे भी कहते हैं दुआ कीजिए हमारा इम्तिहान है हम पास हो जाएं, और बार बार कहते रहते हैं और हमें याद दिलाते रहते हैं कि आपका भी इम्तिहान होने वाला है, क्या आपको जैसे मैं फिक्रमंद हूं कि इम्तिहान में पास हो जाऊं, क्या आपको भी फिक्र है कि कल क़यामत में कुछ चीज़ों का सवाल होगा तो उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तो क्या आपने सवाल के जवाब देने की तैयारी कर लिया है? मैं अगर फेल हो गया तो मैं एक साल मुझे और पढ़ना पड़ेगा, या किसी एक ही सब्जेक्ट में फेल हो गया तो मुझे फिर भी मौका है कि मैं उसे फिर से इम्तिहान दे दूं। लेकिन अगर आप फेल हो गए दादा अब्बा नाना अब्बा, अगर आप फेल हो गए तो वहां से तो वापस नहीं आ सकते। हिसाब किताब का दिन, हिसाब किताब का दिन, आप तो रोज नमाज में पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन, हिसाब किताब का दिन होगा जिस दिन अल्लाह हिसाब लेगा और जन्नत और दोजख के फैसले करेगा। तो हमेशा की जहन्नम में जाने से तो अच्छा यह है कि हमेशा की जन्नत के लिए कुछ तैयारी कर लें, जैसे मैंने इम्तिहान के लिए तैयारी कर रखा है। मुझे उम्मीद तो है कि पास हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कहीं कोई ऐसा सवाल ना हो जाए जिसका हम जवाब ना दे सकें। बच्चा तो ये इस डर से कि कहीं ऐसा सवाल ना हो जाए, और हमारे रब की मेहरबानियां हैं कि उनको क्या पूछना है उन्हें बता दिया है कि इससे हटकर सवाल नहीं करूंगा, तुमसे ये बातें पूछूंगा। अब हमारे लिए इम्तिहान में पास हो जाना कितना आसान है। अल्लाह करे हम मरने से पहले मरने के बाद की कामयाबी की तैयारी कर लें, और जिसने मरने के बाद की कामयाबी की तैयारी कर लिया उसको जीने में भी कामयाबी ही कामयाबी हासिल होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मरने के बाद हमेशा की कामयाबी होगी। जो इस तैयारी में लग जाता है, गुनाहों को छोड़ देना इसकी तैयारी है, करने वाले काम को अच्छे तरीके से करना, उसके वक्त पर करने की कोशिश करना, ये इसकी तैयारी है। अल्लाह हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।